नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। गड़बड़ सोशल इंजीनियरिंग, संगठन सरकार में तालमेल की कमी, बाहरी नेताओं की आमद और आरएसएस की बेरुखी बीजेपी को झटके का बड़ा कारण बन गया है। दरअसल बीजेपी नेताओं का आकलन है कि उम्मीद से खराब प्रदर्शन के पीछे जाति समीकरणों को ठीक से न साध पाना है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लीजिए तो देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जहां पिछले चुनावों में बहुत सावधानी से बनाया गया जो इंद्रधनुषी जाति समीकरण जो था वो इस लोकसभा चुनाव में बिखर चुका है। बीजेपी का अनुमान है कि न केवल गैर यादव ओबीसी वोट बल्कि बीजेपी से यहां पर दलित वोट बैंक भी खिसक गया है। गैर यादव ओबीसी में खटिक और कुर्मी वोटर्स का पलायन खासतौर से अंडरलाइन किया जा रहा है। वहीं मायावती की बीएसपी की दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो जाने के कारण दलित भी इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। संविधान बदलने का विपक्ष का जो दांव था वो बीजेपी पर भारी पड़ा और पार्टी ने इसका सही तरीके से काउंटर भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है लेकिन सरकार और संगठन में तालमेल की कमी इन चारों राज्यों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बताई जा रही है। कार्यकर्ता सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज है और कई मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देना भी एक गलत फैसला साबित हुआ है। बीजेपी को जिन चार राज्यों ने डूबने से बचाया है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक। इनमें मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का जमीनी संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। पार्टी को इस बार इसका फायदा भी मिला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा किया। यहाँ बीएस येदुरप्पा खेमे के हाथ में फिर से कमान सौंपने का बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। बीजेपी नेतृत्व विधानसभा चुनाव के नतीजे के येदुरप्पा पर भरोसे करते हुए जेडीएस के साथ गठबंधन करने का भी फायदा रहा है। ओडिशा में नवीन पटनायक से गठबंधन न करने का बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। वहीं आरएसएस कार्यकर्ताओं की जो उदासीनता थी यूपी और बिहार में नजर आई और बीजेपी पर भारी भी पड़ी है। चुनाव के बीचों बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया बयान उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी मिलाना और उन्हें टिकट देना भी संघ को पसंद नहीं आया। बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी इसका एक बड़ा कारण बताई जा रही है। हालांकि अब वक्त है मंथन का, बीजेपी के मंथन का, एनडीए के मंथन का कि आखिर उत्तर प्रदेश यानी देश का सबसे बड़ा सूबा जहां से कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है वहां पर क्या चूक हुई है, जिन जिन राज्यों में चूक हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, ये मंथन करने का वक्त आ गया है और जरूर बीजेपी इस पर मंथन कर भी रही होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या ये कारण हो सकते हैं बीजेपी को झटके के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।